खबर लालगंज रायबरेली से है, जहाँ पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुनीता यादव पत्नी बुद्धिलाल यादव निवासी आचार्य नगर सुदन खेड़ा पीड़ित का आरोप है। पड़ोस के ही रहने वाले मुकेश यादव पुत्र कल्लू यादव आए और दिन तरह पीकर भद्दी भद्दी गालियां भी दिए। मना करने पर मारपीट पर आवादा हो जाते हैं। सुनीता यादव की 14 वर्षीय लड़की है, जिसको भी गंदी गंदी गालियां देते हैं। 25 तारीख को इतवार करीबन शाम 4 बजे शराब पीकर गाली दे रहा था। मना करने पर सुनीता यादव की खड़ी बोलेरो पिकअप गाड़ी संख्या UP 33 AT 5054 का शीशा और गाड़ी तोड़ने लगा। देखते ही देखते गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आपका सुनीता कहाँ रहती हो? सुदन खेड़ा चार नगर। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? मामला यह हुआ कि एक हफ्ते से परेशान कर रहे हैं हम रोज खेत में, हाँ सब्जी बोई है, चारा बोवा गई इनका। कौन परेशान करता है? यही मुकेश यादव। तो हम इनसे आके एक हफ्ता जब हो गए तो फिर बिट्टो को बताएं, रोज बताते रहे हम, कहीं हटाओ आज कर जा रहे हैं, काल छुपा जाइए, यह कर एक हफ्ता हो गई। तो हम फिर आके पूछे, हम कहें यह बताओ ना कहे रोज गरियावत हो और छत पर रहिए, नीचे सबको मोहल्ले का रहा, हम छत पर रहें, हम यह छत पर से पूछे, हम कहें कि अनुज काहे रोज रोज गरियावत, इनके दो नाम है मुकेश और अनुज। तो कहन कि मांदर चो तुम्हों फाटा रहे वो लेह रहे हैं खूब गरियावत रहे, ये खरिंजा की अद्धा उठा उठा के वही शुरू कर देना, अबे हमें छत में अद्धा परे हैं। अच्छा, और यही तो लड़ाई बस ही नहीं और कुछ नहीं। जब शांत हो गए तो हम फिर ख्याते चली गए, फिर बिटिया के बगल से निकले तो कहन मांदर चो अपने बुआ बिटिया को छोड़ा नहीं, तुमका फाट डालेंगे। इसकी सूचना थाने में दी? दी दिया, थाने वाले कहा तुम लोग खराब हो। अच्छा, किसने कहा? सिपाही जो रायबरेली से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।